हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कैसे बोहर के एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडल है उसका कंपैरिजन किया गया विद द मॉडल गिवन बाय हाइजेनबर्ग या हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा जो हमें मॉडल मिला, जिसे कहा गया द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। कुछ सालों के बाद ये पता चला थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल हमें मिला है क्वांटम मैकेनिक्स के ज़रिए, यही ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि बोहर मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन ऑर्बिट्स, यानी इस प्रिंसिपल पर कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट्स में चलते हैं, और कैसे द मॉडल गिवन थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स वॉज बेस्ड ऑन द थ्योरी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एट एनी गिवन टाइम स्पेसिफिक नहीं होती, हमें पता नहीं चल सकती, हमेशा एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है। इसी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं या जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, इनकी बेसिस होती है, इनको डिनोट करने की बेसिस होती है चार बेसिक क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स यानी कि सेट ऑफ इंटीग्रल्स या हाफ इंटीग्रल्स, जिनकी मदद से इन ऑर्बिटल्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि ये चार क्वांटम नंबर्स डिनोट किए जाते हैं थ्रू द लेटर्स एन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द लेटर आई, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, द लेटर एम आई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एम एस, स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार हमारे पास बनते हैं, चार क्वांटम नंबर्स जिनकी मदद से द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन गिवन। तो आइए बात करते हैं इन चार क्वांटम नंबर्स की और इन ऑर्बिटल्स की, और कैसे ये सारे का सारा मैकेनिक्स काम करता है। सबसे पहले लेते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि लेटर एन को। लेटर एन जो है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट डिनोट्स द साइज या द एनर्जी साइज या द एनर्जी बैंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी आप अपना ध्यान इस डायग्राम की तरफ दीजिए, ये सेंटर में है न्यूक्लियस, इसके आसपास आप देख रहे हैं डिफरेंट एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। पहली जो शेल है इस केस में एन की वैल्यू विल बी वन, क्योंकि नियरेस्ट शेल है, इसीलिए इसका एनर्जी लेवल, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। यानी जो खिंचाव होगा न्यूक्लियस का, जो अट्रैक्शन होगा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन से, वो सबसे ज़्यादा होगा। इस इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल एनर्जी सबसे कम होती है। इसी तरह से नेक्स्ट शेल की बात करें तो यहाँ पर n होगा 2, उसके नेक्स्ट शेल की बात करें तो n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ये शेल्स फिर आगे चलती रहती हैं। यानी आप गौर कीजिएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन शेल्स यानी नंबर n आगे की तरफ बढ़ती रहती है, इनका नंबर बढ़ता रहता है, वैसे वैसे इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस और द पावर ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। यानी जो सबसे लास्ट की शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर द पावर ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज लोएस्ट। यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ सबसे ज्यादा लूजली बाउंड है। ये होता है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, द बेसिक क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर जो हमारे पास आता है इसे कहते हैं आई, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और ये क्वांटम नंबर रिस्पॉन्सिबल होता है द शेप ऑफ द ऑर्बिटल के लिए। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यानी आई की वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे यानी एन पे। आई की वैल्यू हमेशा रेंज करती है एनीवेयर बिटवीन 0 टू एन माइनस 1। यानी अगर एन की वैल्यू 1 है यानी पहली शेल के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यानी आई की वैल्यू उस टाइम पर एक ही हो सकती है, 0। और जब आई की वैल्यू 0 हो तो ये शेप स्फेरिकल होती है। यानी पहली शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के पास वाली, सबसे पहली वाली शेल, उसकी शेप स्फेरिकल होती है, क्योंकि उस केस में n इज इक्वल टू 1, सो i इज इक्वल टू 0।
एंड माइनस वन. देयरफोर पहली शेल जब आई इज इक्वल टू जीरो इज स्फेरिकल, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर एस. इस शेल को, इस ऑर्बिटल को हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर एस. इसी तरह से जब n की वैल्यू होती है नेक्स्ट, यानी दूसरी शेल n इज इक्वल टू टू, i की वैल्यू हो सकती है जीरो या वन. अभी हमने अभी बात करी कि अगर i की वैल्यू जीरो है तो ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होगी, लेकिन जब i की वैल्यू वन होती है तो ये शेप होती है कुछ डंबल की तरह. डंबल यानी डायग्राम के जरिए अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की. जब i की वैल्यू होती है 1 तो उस ऑर्बिटल की शेप होती है इस तरह की. इसे डिनोट किया जाता है बाय द लेटर p. ये था एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, यानी वो क्वांटम नंबर जो ये हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी. इसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की क्या ओरिएंटेशन है, क्या डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, ये दिखाता है. अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास तीन एक्सेस हैं, एक्स वाई और जेड. एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस. यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो पी ऑर्बिटल के लिए अगर हम देखें, यानी अगर हम इसे सपोज एक्स एक्सेस माने, ये हमारे पास आ गई वाई एक्सेस और इसे हम सपोज करते हैं जेड एक्सेस, तो विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है तो उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन पी एक्स. यानी अब जब आई की वैल्यू जीरो है तब तो शेप स्फेरिकल है, यानी तब तो कोई मैग्नेटिक ओरिएंटेशन का मतलब नहीं बनता. लेकिन जब पी की वैल्यू वन है, आई की वैल्यू वन है, जब हमारे पास डंबल शेप का ऑर्बिटल जिसे हम पी से डिनोट करते हैं वो आता है, तो एक्स एक्सिस पे उसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह होती है. सेम चीज को अगर हम वाई एक्सिस पे देखें, यानी पी वाई, पी ऑर्बिटल को देखें वाई एक्सिस पर, तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है. और सेम पी को, पी ऑर्बिटल को अगर हम जेड एक्सिस पे देखें तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी. जैसा कि इस डायग्राम में आप रफली देख पा रहे हैं कि ये द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल विद रेफरेंस टू द न्यूक्लियस. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी एम आई की वैल्यू डिपेंड करती है आई पर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पे. अब हम क्योंकि हम दिशा की बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं. यानी अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो नेगेटिव, रिवर्स डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. कहने का मतलब ये, इफ आई इज इक्वल टू जीरो, यानी इफ एन इज इक्वल टू वन पहले केस में, पहली शेल के केस में, तो उसकी कोई मैग्नेटिक ओरिएंटेशन नहीं होती बिकॉज वो स्फीयर है. लेकिन व्हेन इट बिगिन्स टू टेक अप वैल्यूज, यानी व्हेन एन इज इक्वल टू टू, तो आई की हमारे पास दो वैल्यूज आ सकती हैं, जीरो या वन. एंड व्हेन आई इज इक्वल टू वन, व्हेन आई हैज अ वैल्यू, जब एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की कोई वैल्यू होती है उस केस में कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तीन हो सकती हैं, माइनस वन, जीरो या प्लस वन. यानी ये दिशा या तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकती है, देन बैक टू द जीरो एक्सिस बिगिनिंग, और रिवर्स, माइनस वन, जीरो, प्लस वन. उसी तरह से अगर आई की वैल्यू टू हो जाए उस केस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम आई की वैल्यू तीन हो सकती है, अगेन माइनस टू, जीरो, प्लस टू. द ओरिएंटेशन, द डायरेक्शन विद रेफरेंस टू द न्यूक्लियस.
ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा क्वांटम नंबर हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर यानी MS। स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये दर्शाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी डायरेक्शन की बात यहां भी हो रही है लेकिन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की, विद रेफरेंस टू न्यूक्लियस नहीं, सिर्फ उसकी अपनी एक्सिस की। स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज हो सकती हैं, यानी ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये क्लॉकवाइज दिशा में मूव करेगा अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, तो दूसरी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी ये दिशा, इसे हम नेगेटिव मानते हैं। इसकी हो सकती हैं दो वैल्यूज स्पिन क्वांटम नंबर की, इधर इट कैन बी +1/2 अप, यानी इस दिशा को अगर हम ऊपर माने तो इसकी हाफ इंटीग्रल अपवर्ड्स, या तो इसकी दूसरी वैल्यू हो सकती है -(-) डाउनवर्ड्स। यानी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन माने स्पिन की है तो इसकी दिशा कुछ इस तरह की होगी, ½(½) डाउनवर्ड्स। ये हमारे पास हैं ये चार बेसिक क्वांटम नंबर्स। इन चार क्वांटम नंबर्स की मदद से ही ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनता है, चार ऑर्बिटल सेट्स डिसाइड होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के। तो ये हमने बात करी आज की वीडियो में चार क्वांटम नंबर्स की, जिनकी मदद से हम आगे चलकर अगले वीडियोस में आपको ये बताएंगे कि ऑर्बिटल सेट्स कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का बिहेवियर कैसे दिखाया जाता है, ये सब आने वाले वीडियोस में। उम्मीद है कि आप सबको हमारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।